नमस्कार, मैं हूं अनुज देशपांडे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल। विश्व शांति दर्शन चैनल विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ सर की संकल्पना से उभरा हुआ एक अनोखा चैनल है। तो चलिए डालते हैं एक नजर आज की सकारात्मक खबरों पर। पहले आज की सुर्खियां। भाइयों ने करोड़ों लोगों के लिए बनाया डिजिटल एड्रेस। 80 साल के मित्र गए 80 दिन के वर्ल्ड ट्रिप पे। भाइयों ने बनाया एक इको फ्रेंडली च्युइंगम। छब्बीस साल की उम्र में बनी दुनिया की सबसे छोटी वुमेन पायलट। वैक्सीन को वैकल्पिक में लेने का आविष्कार। कैसे ये ऑनलाइन एप्लीकेशन ने बचाई करोड़ों लोगों की वक्त और मेहनत, जानते हैं। और आपने बहुत बार ऐसा सिचुएशन फेस किया होगा जिसमें हर ऑनलाइन शॉपिंग साइट या डिलीवरी सिस्टम में हमेशा सेम एड्रेस डालना पड़ता है। ये बहुत वक्त बर्बाद करता है और कभी कभी गलत एड्रेस भी हम डाल देते हैं। मध्य प्रदेश के रजत और मोहित जैन ने बनाया पता, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। पता ऐप डाउनलोड और साइन इन करके आपके एड्रेस को एक पता आईडी लग जाता है। हर बार सेम एड्रेस डालने के बजाय आप सिर्फ पता आईडी कॉपी पेस्ट करके पूरे प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। पुराने एड्रेस ढूंढते ढूंढते बहुत पेट्रोल और तेल खर्चा होता है, लेकिन पता आईडी से प्रॉपर और करेक्ट एड्रेस डल जाता है। अब तक इस ऐप को 80 लाख डाउनलोड्स है और ये 8 भाषाओं में काम करता है और ग्रामीण और गांव के भागों में ये बहुत पॉपुलर है। 80 दिन में 80 साल के दो दोस्त ने कैसे की वर्ल्ड टूर, जानते हैं कैसे। आपने अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज नाम की पुस्तक के बारे में सुना या पढ़ा भी होगा, लेकिन आपने कभी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज एट 80 ईयर्स कभी सुना है। सैंडी हेजलिप और एली हैम्बी जाम्बिया में 2003 में मिले थे। उन दोनों को घूमने का बहुत शौक था, इसलिए वे तुरंत दोस्त बन गए। ये बड़ी ट्रिप के पहले वो बहुत सारे छोटे छोटे जगह और टूरिस्ट अट्रैक्शन को विजिट करते थे। उनको उनके 80th बर्थडे को कुछ स्पेशल करना था। दोनों ने साथ मिलकर फैसला लिया कि वो पूरी दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड घूम के आएंगे। उनका ट्रिप अभी अभी खत्म हुआ, लेकिन घूमने का कीड़ा अभी तक उनके दिलों में जारी है। दो भाइयों ने 700 किलो प्लास्टिक इस बायोडिग्रेडेबल गम से बचाया, जानते हैं विस्तार में। बेंगलुरु से मयंक और भुवन को बचपन से ही एनवायरमेंट फ्रेंडली और केयरिंग होने को सिखाया था। वो हमेशा कम से कम प्लास्टिक यूज करके रिसाइकल करते थे। मयंक ने अपनी मास्टर्स डिग्री खत्म करते हुए एक बायोडिग्रेडेबल च्युइंग गम को मार्केट में देख लिया। एक सर्वे करने के बाद उसे पता चला कि लोगों को च्युइंग गम के अंदर प्लास्टिक होता है ये पता ही नहीं था। उसने भुवन को एक बिजनेस स्कीम के बारे में बताया और 2022 में उन्होंने लॉन्च किया गुड गम, एक कम्प्लीटली नेचुरल और बायोडिग्रेडेबल च्युइंग गम जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट प्रोडक्ट से बना गया है। अब तक उन्होंने 5 लाख पीसेस बेचे हैं और उनके प्रोडक्ट्स पेपर में पैक होते हैं ताकि वो इको फ्रेंडली हो जाए। दिल्ली की निवेदिता राजपूत बनी दुनिया की सबसे छोटी कमर्शियल वुमेन पायलट, जानते हैं विस्तार में। बचपन में निवेदिता भासिन हर दिन एयरप्लेन और जेट्स को अपने स्कूल के ऊपर देखती थी। तब से उसे पायलट बनके हवाई जहाज चलाने की बहुत इच्छा हुई। 16 की उम्र में उसने दिल्ली के ग्लाइडिंग क्लब को ज्वाइन कर लिया और फिर पटना फ्लाइंग स्कूल में पास हुई। जब वो 20 साल की हो गई तब उसको इंडियन एयरलाइंस ने पायलट का पोस्ट अपॉइंट करके उसके हाथों में बोइंग 737 भी कमांड के लिए दे दी। निवेदिता को उस वक्त एक बच्चा हुआ था, पर तभी भी एज अ सिंगल मदर वो सब काम को अच्छे से मैनेज करती थी। 1985 में उसने ऑल वुमेन क्रू फ्लाइट को पायलट करके हवे में 22,000 घंटे कंप्लीट कर लिए थे। 2011 में उसने एयरबस 300 को पायलट करना शुरू किया और वो बन गई एयर इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ सेफ्टी ऑफिसर। हम सबको उम्मीद है कि निवेदिता ही नहीं बल्कि सब महिलाएं भारत को नई ऊंचाइयों पर लेके जाए। ये मेडिकल आविष्कार कर सकती है दूर इंजेक्शन का डर, कैसे देखते हैं। साइंटिस्ट ने अब ऐसा आविष्कार किया है जिससे वैक्सीन्स और थेरेप्यूटिक्स को अब नीडल या इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लोग अभी आराम से वैक्सीनेशन और औषधें ले सकते हैं। MOF जेट एक ऐसा आविष्कार है जिससे वैक्सीन्स को पाउडर फॉर्म से डिलीवर किया जा सकता है। ये तरीका क्विक एंड पेनलेस है, बट ये कोई नया आविष्कार नहीं है, बल्कि 1960s में मिलिट्री जेट इंजेक्टर्स का प्रयोग करते थे, लेकिन लोगों को वो इंजेक्शन से भी ज़्यादा दर्दनाक लगते थे। जेरेमाया गैसन स्मिथ ने घर पे गैस पावर्ड इंजेक्शन सिस्टम के पार्ट्स को ऑर्डर किया। उसके बाद वो उन टुकड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करते गए और फिर प्रोजेक्ट को यलिनी, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट के हाथों में दे दिया। यलिनी ने एक मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क MOF की मदद से वैक्सीन को छोटे केजेस में रख दिया, जिसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्शन से एडमिनिस्टर होते थे। तो दोस्तों, आज के न्यूज़ मैगजीन के एपिसोड में यही रुकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा और आपका विश्व शांति दर्शन चैनल। नमस्कार।